मेवात पुलिस ने नूह एसपी के नेतृत्व में निकाली तिरंगा यात्रा। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नूह विजय प्रताप के कुशल मार्गदर्शन व सोनाक्षी सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक नूह के नेतृत्व में आज बुधवार को जिला नूह पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर अनाज मंडी नूह से झंडा पार्क मेवली रोड नूह तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली और इस अभियान के तहत देशभक्ति गानों के साथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विजय प्रताप पुलिस अधीक्षक नूह का कहना है कि यह अभियान एक जन आंदोलन है और प्रत्येक देशवासी को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिलावासियों द्वारा भी पूरी धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और कहा कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 14 अगस्त तक सभी घरों की छत, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों व सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को इसमें भाग लेने की जरूरत है और इसमें हर नागरिक को जोड़ने के लिए सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ व अन्य संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। तिरंगा हमारी आन बान और शान का सूचक है और इसके जो 24 तिल्लियां इसमें बनी है वो देश की प्रगति का सूचक है और वो बताता है कि 24 घंटे हमें प्रगति और उन्नति की ओर सोचना है और जो विकास है उसको बढ़ावा देना है ताकि देश का नाम विदेश में और अच्छी तरीके से फैले और वहाँ उनका गुणगान हो। बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और क्योंकि हमारा देश अनेकता से परिपूर्ण देश है और इसमें इसकी बड़ी जो खासियत यही है कि यहाँ अनेकता में एकता रही है और सभी धर्मों के सभी जाति के लोग यहाँ अमन चैन से रहते हैं और पूरे देश में यही संदेश दिया है कि जो हमारा तिरंगा है उसकी शान और बढ़े, सदैव ऊंचा रहे और उसके कर्तव्य पालना में हमें जो करने की ज़रूरत है वो हम करें, देश की जो उन्नति है उसको सुनिश्चित करें, अमन और कायम चैन। धन्यवाद।